कारण मैं और आशा नमस्कार, मैं और आशिमा एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ जेएनयू के एलुमनाई स्वरा भास्कर हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, बहुत दिनों के बाद जेएनयू इलेक्शन में नजर आई है, तो आपको माहौल कितना बदला बता लगता है? माहौल तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमेशा होता था। बहुत सारे बूथ हैं जो खड़े हुए हैं, सब नारे लगा रहे हैं। इस साल सिर्फ ये थोड़ी चिंता की बात थी कि वायलेंस के रिपोर्ट आ रहे थे आज शाम को कि एबीवीपी के कार्डर जो जेल के बाहर से यूनिवर्सिटी से लाठी और तलवार लेके कैंपस में है और उनको देखा भी गया है और कुछ छात्रों को उन्होंने पीटा भी है, शायद शत्रुपा और सुमित्रन को। तो आई थिंक ये एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में आप अपने अंदर के जेएनयू को कैसे बचा कर रखते हैं? आई थिंक जेएनयू की सबसे बड़ी सीख मेरे लिए ये रही कि एक की कभी भी जो मुद्दा है, जो अन्याय का जो मुद्दा है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात जेएनयू में मैंने ये जरूर सीखा कि क्योंकि मेरा कोई एक अनुभव है उसका ये मतलब नहीं है कि वही अनुभव सत्य है। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं और सबके अनुभव जायज होते हैं। भारत जो मैंने जाना है वो सिर्फ भारत का एक पहलू है, बहुत सारे अलग अलग भारत हैं और हमें सारे भारत जो है उनको एक समान आवाज देनी चाहिए। ये डिसेंट नहीं होता और ये कतई सेडिशन या गद्दारी नहीं होती, और ये जेएनयू का सबसे बड़ा लेसन था मेरे लिए। याद है अमरोहा में किसी ने एक स्टाफ के ऊपर चाय फेंक दी थी तो आप लोग से बहुत डांटा था, और मैंने कई बार अपने बच्चों को पढ़ाते हुए ये उदाहरण दिया था कि अगर जेएनयू आप अपने अंदर बसा के रख लेते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। मैंने आपका उदाहरण दिया था, तो जिस सीरीज की बात कर रहे थे उस सीरीज में जब मैं होस्ट कर रहा था तो जेएनयू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी मैंने आपके उस उदाहरण से बताया था। पर आपने हमसे बात की और अपनी अपने अनुभव साझा किए, आशा है फिर आपसे मुलाकात होगी। ये थी हमारे साथ स्वरा भास्कर, और छात्रों का उत्साह बढ़ा रही हैं। माहौल बहुत खराब है लेकिन जब से स्वरा भास्कर आई हैं सब लोग उत्साहित हैं। मैं और आशिमा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।